मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के प्रोग्राम एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये क्या डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, किलोग्राम के लिए एम अपॉन एम, मीटर के लिए सेकंड स्क्वायर टी। इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, एम वन एल को ऊपर लाइए माइनस वन, टी को भी ऊपर लाइए माइनस टू। इक्वेशन क्या हो गया, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 14, स्ट्रेस लेके नई चीजें आ रही है, स्ट्रेस नहीं है ये तो हम सब आगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे बहुत सारी जायंट क्वांटिटीज आएंगी, नई डायमेंशन होंगे। यहाँ तो हम इस मेथड को सीख रहे हैं, आप इसकी चिंता नहीं करें कि सर स्ट्रेस क्या है, कल से क्या प्रेशर, ये तो आपने डिटेल से पढ़ाई है। अभी तो हम ये मेथड सीख रहे हैं जितने भी फॉर्मूले हैं। स्ट्रेस इसका फॉर्मूला बताएंगे, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, जो भी प्रेशर का लिया था सेम वही है, और यहां पे फोर्स का डायमेंशन हमने सीख लिया, क्या था फोर्स का डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू, एरिया का क्या था मीटर स्क्वायर एल टू। तो देखो क्या बन गया एम वन, देखो एल वन और ये माइनस टू, तो एल का कितना बच गया माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया आपके पास स्ट्रेस। एक ऐसा ही टर्म आता है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन मेजरमेंट, चेंज इन मेजरमेंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। जैसे लेंथ के ले लेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, इट मींस ये कैसा हो गया भाई, मीटर अपॉन मीटर, यूनिट लेस वेर इज नो यूनिट एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है कोई डायमेंशन नहीं। फिर एक और डायग्राम, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम वाई से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अभी हमने किया है फोर्स अपॉन एरिया से, डायमेंशन फॉर्मूला भी पढ़ा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, स्ट्रेन देयर इज नो डायमेंशन डायमेंशन लेस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये कहेंगे एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इन इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को डायमेंशन लेस। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी क्या होता है, डिटेल से पढ़ाएंगे डॉट पर, अभी हम ये लिखना सीख रहे हैं। इसका फॉर्मूला जी का क्या होता है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, इट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। देखो फोर्स का डायमेंशन हमने भी सीखा एम वन बोलो मेरे साथ एल वन टी माइनस टू, अब आगे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको निकाल
प्रोग्राम इनटू प्रोग्राम एम इनटू एम एम टू देखो डायमेंशन का इक्वेशन चेक करो एम वन टू को ऊपर लाएंगे माइनस टू ये हुआ एम माइनस वन एल वन प्लस टू कितना हो गया एल थ्री एंड टी माइनस टू ये हमारे पास डायमेंशन का फॉर्मूला कितना हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का एम माइनस वन एल थ्री t माइनस टू क्लियर एक और कॉन्स्टेंट लेते हैं विस्कोसिटी अरे भाई विस्कोसिटी क्या है कैसे वो नहीं सीख रहे हम सिर्फ मेहनत सीख रहे हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा क्या करते हैं इसको ईटा फॉर्मूला क्या है इसका फोर्स फोर्स अपॉन डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी समझे तो एफ आर इनटू वी देखो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला भी अपने याद किया क्या था एम वन एल वन टी माइनस आप अब तक समझ गए होंगे कि इनको याद करने की जरूरत नहीं भूल जाएंगे तो वही एफ इक्वल टू क्या था मास इंटरेक्शन लेकिन बार बार जब आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी तो आप फोर्स लिखते ही जाओगे नहीं एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन आर डिस्टेंस एल वन इंटू वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन भूल जाए तो वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड क्या इक्वेशन बना एम वन देखो एल के लिए ये एल वन देखो सिंगल बचा ऊपर लेके आइए माइनस वन इसको ऊपर ले आइए प्लस वन क्या बचा टी माइनस वन एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन और देखो ध्यान देना कुछ भी कुछ क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे रहेंगे जिनकी डायमेंशनल इक्वेशन इक्वल रहेंगे कुछ जैसे अभी पढ़ा था स्ट्रेस विलियम्स मॉडुलस सेम है ना सेम इसी तरह लिनियर मोमेंटम हो गए अभी पढ़ रहे हैं सेम है कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं जो डायमेंशन लेस हैं कुछ ऐसे हैं जो यूनिट लेस भी हैं और डायमेंशन लेस भी हैं तो ये आपसे इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन पूछूंगा आप ध्यान रखिएगा इसके लिए और नेक्स्ट अभी कुछ और भी देख रहे हैं तरह से आप लोग ये खूब सारे डायमेंशन फॉर्मूला सीखने का मतलब कि कितने आपने नोट किए नहीं सीखने का तरीका अपने को डेवलप करना है फिर फॉर्मूले का नंबर कि सर हम कितने 20 कर ले 50 कर ले 100 कर ले 150 आप मेथड सीख लीजिए फिर चाहे 1000 हो सबको कर पाएंगे समझ के कि क्लियर भी होगी अभी बात कि हमें तो सिर्फ डेड क्वांटिटीज को फंडामेंटल जो सिंबल्स हैं एम एल टी विद एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम सारे कुछ कर पाएंगे क्लियर अब आगे आपकी प्रैक्टिस रहेगी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ और उनको आपको सोल्व करना है